तो अब तो उद्योग के क्षेत्र में भी हो रहा है, अब बड़ी खुशी हो रही। देखिए बीच में हम लोग तो पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं, ये अभी शाहनवाज साहब का ही है, अब क्रेडिट तो हम उसी व्यक्ति को देते हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं, और उसी के चलते जब उद्योग का इतना आ रहा है, हम लोग पूरे तौर पर भाई साथ देंगे, और भी जितना मदद करने की जरूरत होगी मदद करेंगे, ताकि खूब बढ़िया से और बेहतर यहाँ पर उद्योग हो जाए, हर क्षेत्र में उद्योग के लोग आ जाए, सब कुछ लग जाए। पहले गांधी सेतु के लोकार्पण में और अब इन्वेस्टर मीट में नीतीश कुमार कर रहे हैं हर तरफ उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की जमकर तारीफ। आपको बता दें कि इस इन्वेस्टर्स मीट को देखकर नीतीश कुमार काफी खुश और उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर्स बिहार के बाहर से आए, उनको बिहार में केंद्र के अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी हर संभव मदद की जाए। उन्होंने कहा कि बिहार आपकी सबसे पुरानी जगह है, इसका विकास एक बार फिर से मिलकर करना है। इसका क्रेडिट हम शाहनवाज हुसैन को देंगे, क्योंकि वो इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस तरह की कई बातें उद्योग मंत्री के लिए कही। हमारे जो साथी हैं, और ये जिस तरह से शाहनवाज जी पूरा का पूरा मेहनत करते हैं, और जो इनकी बात बोलते हैं, और जिस तरह से हर जगह जा जा करके लोगों को और लोगों के बीच में, अब तो फिर बंबई के बारे में भी प्रोग्राम बना रहे हैं। अरे पहले तो हम लोग जाते थे सब जगह, कितना लोगों से अनुरोध करते थे, लेकिन थोड़े ही कोई आ पाते थे, बहुत कम। लेकिन अब देख रहे हैं कि अब सही मायने में लोग आने लगे हैं, तो अब इसके लिए हम लोगों से तो जितना मदद होगा, अब आज ही आपको बता दिया, अभी हमारे मंत्री जी कह दिए, इतना ज्यादा कहीं मदद नहीं मिलता है। एक दो बार नहीं बल्कि टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी की शुरुआत के दौरान कई बार नीतीश कुमार ने शाहनवाज हुसैन की तारीफ की। देखिए बीच में हम लोग तो पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अभी शाहनवाज साहब का ही है, अब क्रेडिट तो हम उसी व्यक्ति को देते हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं, और उसी के चलते जब उद्योग का इतना आ रहा है, हम लोग पूरे तौर पर भाई साथ देंगे, और भी जितना मदद करने की जरूरत होगी मदद करेंगे, ताकि खूब बढ़िया से और बेहतर यहाँ पर उद्योग हो जाए, हर क्षेत्र में उद्योग के लोग आ जाए, सब कुछ लग जाए। इसके बाद देखने को ये भी मिला कि जब भाषण देकर नीतीश कुमार अपनी सीट पर जाते हैं, तो शाहनवाज हुसैन की पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं। अब इस तस्वीर को देखकर सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार शाहनवाज हुसैन पर इतना भरोसा। तो दरअसल इसके बारे में भी नीतीश कुमार ने अपने भाषण में ही कह दिया कि जिसके लिए उनकी सरकार 2007 से मांग कर रही थी, वो इथेनॉल शाहनवाज हुसैन के बिहार आने और उनके उद्योग मंत्री बनने के बाद पूरा होते नजर आ रहा है। फिर चाहे वो इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने की बात हो या फिर टेक्सटाइल के क्षेत्र में, अपनी मेहनत की बदौलत उद्योग जगत में बिहार को आगे ले जाने वाले शाहनवाज से बिहार के मुखिया बस ऐसे ही नहीं खुश हैं, बल्कि इसके पीछे भी शाहनवाज हुसैन की कड़ी मेहनत है। बेगूसराय में 550 करोड़ की लागत से पेप्सी का प्लांट लगा हो, या फिर पूर्णिया में 105 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट, इन सब का बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन लगातार टेक्सटाइल और लेदर के क्षेत्र में भी बिहार के लिए कई काम करते और इन्वेस्टर से बात करते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार बस यूं ही नहीं हर मंच पर शाहनवाज हुसैन की तारीफ करते नजर आते हैं, बल्कि इसके पीछे उद्योग मंत्री की कड़ी मेहनत छुपी हुई है। उम्मीद है इन सब के बाद बिहार में रोजगार की स्थिति सुधरेगी और बिहार इन्वेस्टमेंट का हब बनकर सामने आएगा। बिहार की खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।